हाय एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ वी कैन प्लान आवर डे एज अ यूएसआईटी रिक्रूटर इन 2024। ओके, सो 2024 में एज अ यूएसआईटी रिक्रूटर हम कैसे हमारा डे प्लान कर सकते हैं, वर्किंग डे। सो दोस्तों, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एज अ यूएसआईटी रिक्रूटर यदि आप काम कर रहे हैं और आप अपना डे प्लान करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो, सबसे पहले दोस्तों, आपको जब भी आप एज अ यूएसआईटी रिक्रूटर किसी भी कंपनी में काम करें या यदि आप काम कर रहे हैं, तो आपको पर डे बेस पे 3 या मोर देन 3 पोजीशन पे काम करना है। कम से कम आपको 3 पोजीशन पे काम करना है और तीनों पोजीशंस को इक्वल इक्वल टाइम देना है। मान लीजिए आप 8 आवर्स इन ए डे किसी भी यूएस स्टाफिंग कंपनी में अगर आप काम करते हैं, तो आपको ढाई ढाई घंटे आपको एक पोजीशन पे काम करना है। आपको 3 पोजीशन पे काम इसीलिए करना है, मान लीजिए आप किसी पोजीशन पे 2 घंटे काम कर चुके हैं और उस पर आपका कोई सबमिशन नहीं है, अगर आप उसी पोजीशन पे आप कंटिन्यूसली काम करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। ओके, या उसका कोई मतलब नहीं होगा। अगर आप 3 पोजीशन पे काम करेंगे तो मे बी पॉसिबल आपका किसी ना किसी पोजीशन पे एक सबमिशन हो जाए। ओके, ताकि आप अपनी एक्टिविटी या अपना परफॉर्मेंस कंपनी में शो कर सके। ओके, सो आपको कम से कम आपको 3 पोजीशन पे काम करना है और तीनों पोजीशन को इक्वल टाइम देना है। इसके बाद आपको कम से कम 50 ईमेल आपको भेजना है। ओके, अगर आप किसी भी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, मान लीजिए आप 3 पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो तीनों पोजीशन के मिलाकर आपको कम से कम 50 ईमेल कैंडिडेट को सेंड करना है, जिससे कि आपका जो वर्क है वो शो होगा ईमेल के माध्यम से। मान लीजिए आपका किसी दिन कोई सबमिशन नहीं है, आपने 3 पोजीशन पे भी काम किया है, लेकिन आपके ईमेल आपको शो करेंगे कि आपने काम किया है लेकिन किसी ना किसी कारण से या कोई भी रेयर स्किल के कारण आपका सबमिशन नहीं हो पाया है। ठीक है, इसलिए आपको कम से कम 50 या 50 से ज्यादा ईमेल कैंडिडेट को सेंड करना है। सो आपको ईमेल सेंड इसीलिए भी करना है, मान लीजिए आपको कोई भी कैंडिडेट जॉब साइट्स पर नहीं मिल पाता है या आपको कोई रिस्पांस नहीं करता है और आप ईमेल करते हैं, तो मे बी पॉसिबल नेक्स्ट डे या विद इन 2 डेज कोई भी कैंडिडेट आपके ईमेल को रिस्पॉन्ड करे और आपका सबमिशन हो जाए। ओके, आपको पाइपलाइन बनाने के लिए ईमेल सेंड करना काफी जरूरी होता है। इसके अलावा आपको कम से कम 30, 30 या 50 कॉल आपको करना है, इससे आपका कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होगा और आपका कैंडिडेट से कम्युनिकेट भी आप इजीली कर पाएंगे। और अगर आप मान लीजिए 30 कॉल भी करते हैं, तो इससे भी जैसे कि आप किसी दिन कोई सबमिशन नहीं है लेकिन आपने आपका काम किया, आपको अपना काम करना है, चाहे सबमिशन हो या ना हो, आपको अपना काम करना है। ठीक है, तो आपको कम से कम 30 या 50 कॉल आपको करना है। मान लीजिए किसी पोजीशन पे कोई ज्यादा कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में कम से कम आपको कोशिश करना है 30 कॉल हो जाए, या ज्यादा से ज्यादा आपको 50 कॉल आपको करना है। आईटी में आपको हो सकता है कि आप कम कॉल कर पाए, लेकिन नॉन आईटी में आपको ज्यादा कॉल करने होते हैं। इसके अलावा आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बढ़ानी है। ओके, चाहे आप एज ए यूएस आईटी रिक्रूटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें या चाहे आपके पास मोर देन 5 या 10 ईयर एक्सपीरियंस है और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन एवरेज है, तो आपको लगातार आपको आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है, जिससे कि आप लोअर लेवल से लेकर टॉप लेवल पर ग्रोथ कर पाए। ओके, इसके अलावा आपको अपना टेक्निकल नॉलेज बढ़ाना है। मान लीजिए एज अ फ्रेशर आपने अभी किसी कंपनी में ज्वाइन किया है या 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस है और आप आईटी फील्ड में ही अपने आपको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो आपको अपना टेक्निकल नॉलेज आपको रेगुलर बेस पे बढ़ाना है। ये नॉलेज आपको इसलिए बढ़ाना है क्योंकि आगे ये नॉलेज आपको ना केवल हाई लेवल या टॉप पोजीशन गेन करने में हेल्प करेगा या आपको सैलरी हायर सैलरी पाने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा आपको
काफी प्लानिंग से आपको काम करना है। जैसा कि आप जानते हैं अभी मार्केट में वीकेंड से रिसेशन है, अभी जॉब ओपनिंग काफी कम है, तो आपको अपना परफॉर्मेंस बना के रहना है और आपको चाहे सबमिशन हो या ना हो आपको अपना काम करना है, ऑनेस्टली काम करना है। आपको अपनी बुलियन सर्च स्ट्रिंग में मास्टरी हासिल करना है। आपको अगर आपको कोई भी पोजीशन दी जाती है तो उसके अलग अलग तरीके से आपको बुलियन सर्च स्ट्रिंग बनाना है। अगर आप एक ही बुलियन सर्च स्ट्रिंग से अगर किसी कैंडिडेट को सर्च करेंगे तो मैं पॉसिबल आपको कम रेज्यूमे मिले, लेकिन आप अगर बुलियन जो सर्च स्ट्रिंग है किसी भी जॉब पोजीशन की अगर आप बार बार बदल कर चेंज कर करके ट्राई करेंगे तो आपको नए नए रेज्यूमे मिलेंगे, मैं भी पॉसिबल उससे आपको सबमिशन हो जाए। ओके, सो इस तरह से आप अपना डे प्लान करना है और आपको अपना ब्रेक 1 आवर ही लेना है, मोर देन 1 आवर आपको ब्रेक नहीं लेना है, और मे बी पॉसिबल है तो आप 1 घंटा एक्सटेंड कर सकते हैं आप अपना परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, आपको आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।